नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मेरे भैया की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी देखने वाले हैं, जो कि आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। और जब चाहे आपको अगर कभी भूख लगे और आपके घर पर अगर अंडा और ब्रेड मौजूद हो, तो आप ये रेसिपी बहुत ही कम समय में बनाकर इसे खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से बनाएंगे हम। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जयम रेसिपीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 टीस्पून तेल। इसी के साथ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। अभी लेंगे हम 3 कटी हुई हरी मिर्च। ये तीखी मिर्च है, इसीलिए हमने 3 ही इस्तेमाल किए हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमने इसमें डाले हैं 2 बड़े कटे हुए प्याज। 2 बड़े कटे हुए प्याज हमने 4 अंडों के लिए इस्तेमाल किए हैं। आप जितने अंडे इस्तेमाल करेंगे उसी के हिसाब से आप प्याज भी इस्तेमाल करें इसमें। इस प्याज को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसे हल्का सा सुनहरा होने तक पकाएंगे। पर इससे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। नमक भी आप स्वाद अनुसार इस्तेमाल करें। इसी के साथ डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इस प्याज को अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे हल्का सा सुनहरा होने तक हम पकाएंगे। मध्यम आंच पर ही पकाएं। और ये देखिए, प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 बड़े कटे हुए टमाटर। अगर आप ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल ना करना चाहें तो एक टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। चाहे तो आप जीरा पाउडर ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। कम से कम हम 1 मिनट तक इसे इसी तरह से मिलाते रहेंगे मध्यम आँच पर। और इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अभी इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट बाद ये टमाटर और प्याज अच्छी तरह से पक चुके होंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें डालेंगे 4 फेटे हुए अंडे। फेटा हुआ अंडे का मिश्रण इस प्याज और टमाटर के तड़के पर इस तरह से मिलाएंगे कि एक गोल रोटी की तरह बन जाए। अभी इस पर हम 1 पिंच काली मिर्च पाउडर भुरभुराएंगे और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट बाद अच्छी तरह से ये पक चुका होगा एक तरफ से। अभी दूसरी तरफ से हमें इसे पकाना है, तो इसे हम एक ही साथ इस तरह से पलट सकते हैं तो पलट लें, वरना इसके 4 पीसेस कर लें। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से आप चम्मच से भी इसे इसके 4 भाग बना सकते हैं। और इस तरह से एक एक करके पलट कर इस पर हरा धनिया डालकर फिर से इसे 2 मिनट के लिए ढककर मध्यम आंच पर पकाएं। और 2 मिनट बाद ये अंडा की रेसिपी बनकर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे भुने हुए ब्राउन ब्रेड के साथ परोसे और इसका आस्वाद लें। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ और एक नए वीडियो के साथ। ये अंडा की रेसिपी हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। 2 लोग इसका नाश्ता पेट भर के कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर पर जितने सदस्य हैं उनके अनुसार अंडे प्याज का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बनाएं और इसका आस्वाद लें।